हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में व्यू टैब के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। वर्कबुक पे आपको यहां पे दिख रहा होगा व्यू टैब में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको यहां पे दिया हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल होता क्या है, जैसे अभी हम लोग जो यहाँ पे वर्कबुक का व्यू है ये नॉर्मल व्यू है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग क्लिक करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। जैसे ही पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्या हो चुका है, पेज वन, पेज टू और पेज थ्री करके यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे दिख रहा है पेज वन और पेज टू आ चुका है। जैसे हमको इसको हटाना है, नॉर्मल व्यू पे करना है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल व्यू पे हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि वो जो आपका ब्लू कलर का लाइन आ रहा था और पेज वन और पेज टू आ रहा था वो आपका नहीं आएगा। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको पता चल गया क्या होता है। उसके बाद दिया हुआ है पेज लेआउट। पेज लेआउट होता क्या है, जैसे पेज लेआउट पे हम क्लिक करते हैं तो पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे हेडर और फुटर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये हम लोग पीछे भी सीखे थे कैसे यहाँ पे हम लोग हेडर फुटर लगाते थे, तो उस वाले व्यू में आपका आ जाएगा पेज लेआउट में। पेज ब्रेक प्रीव्यू और नॉर्मल व्यू यहाँ पे भी आपको दिखेगा दिया हुआ है। यहाँ से भी आप नॉर्मल व्यू में ला सकते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू में ला सकते हैं और पेज लेआउट प्रीव्यू में ला सकते हैं। समझ में आ गया तीनों, तो नॉर्मल व्यू पे अभी हम लोग कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू होता क्या है, जैसे देखिए अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे अभी ग्रिड लाइन शो नहीं है, ग्रिड लाइन को शो करा के यहाँ पे लिखते हैं हम डेमो। डेमो लिखने के बाद यहाँ पे हम इंटर करते हैं और यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करके और उसके बाद आएंगे कस्टम व्यू में। कस्टम व्यू में आने के बाद यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक नाम ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट। फर्स्ट लिख दिए और ओके कर देंगे, एक फर्स्ट नाम से बन गया। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डेमो टू। और यहाँ पे भी कुछ नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने के बाद इस पर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं डेमो टू को और यहाँ पे हम कस्टम व्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे फिर से ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेकंड। सेकंड लिख दिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेकंड लिखा चुका है और ओके कर देंगे। सेकंड लिखने के बाद अब हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पे कस्टम व्यू पे और हमको जाना है फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला और यहाँ पे क्लिक कहाँ करेंगे, शो पे। जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, फर्स्ट में। यहाँ पे दिख रहा है आपको डेमो में पहुँच गए हैं, हमको जाना है डेमो टू पे। तो हम लोग करेंगे क्या, कस्टम व्यू पे जाएंगे और कस्टम व्यू पे जाने के बाद यहाँ से सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, डेमो टू में। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग कस्टम व्यू का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट क्या है, शो ग्रुप है। शो ग्रुप में होता क्या है, यहाँ से आप फॉर्मूला बार को यहाँ से शो करा सकते हैं, हेडलाइंस को शो करा सकते हैं और ग्रिड लाइंस को शो करा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या किए, सबसे चेक को हटा दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ग्रिड लाइंस मेरा क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। लाना है तो ग्रिड लाइंस पे हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे मेरा ग्रिड लाइंस आ जाएगा। फार्मूला बार लाना है तो यहाँ से हम फार्मूला बार को हटा भी सकते हैं और ला सकते हैं। हेडलाइन क्या होता है कि यहाँ पे आपको 1 2 3 4 दिख रहा था और ABCD वो सारा आपका हाइड हो जाएगा, यहाँ से आप ला सकते हैं। आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे सीट दिया हुआ है, यदि आपको सीट को हाइड करना है तो आप सीट को भी हाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे सीट को हाइड, तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे ऑप्शन पे। ऑप्शन पे आने के बाद आपको आना है यहाँ पे जनरल पे। यहाँ पे आपको जनरल दिख रहा है, आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं एडवांस में आते हैं। एडवांस में आने के बाद थोड़ा यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक और यहाँ पे आपको दिखेगा शो सीट टैब। जैसे ही हम लोग यहाँ पे चेक किया हुआ है शो सीट टैब, यहाँ से हम चेक को हटा देते हैं। चेक हटाने के बाद आपको करना क्या, ओके करना है। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या हो चुका है, सीट हाइड हो चुका है। आपको दिख रहा है सीट हाइड हो चुका है, यदि आपको सीट को लाना है तो फिर से वहीं से लाएंगे। जैसे हमको फर्स्ट सीट से सेकंड सीट में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो कंट्रोल के साथ आपको कीबोर्ड से पेज अप प्रेस करना है तो आपका सीट क्या होगा, चेंज होगा। और फिर दूसरे बैक वाले सीट में जाने के लिए पेज डाउन, कंट्रोल के साथ पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज डाउन। तो आपको समझ में आएगा कैसे हम एक सीट से दूसरे सीट में जंप कर सकते हैं।
फिर से सीट को शो कराना है तो कैसे कराएंगे, तो फिर से जाएंगे हम लोग फाइल में, फाइल में जाने के बाद हम लोग को जाना है ऑप्शन में, ऑप्शन में जाने के बाद कहाँ जाना था हम लोग को, एडवांस में, एडवांस में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल को डाउन करना था, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे था आपका दिया हुआ डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे शो सीट टैब, यहाँ पे हम शो सीट टैब पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर शो हो जाएगा। यहाँ से आप शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार को भी हाइड कर सकते हैं, यदि आपको करना है तो आप यहाँ से चेक को हटा दीजिए, आपका हाइड हो जाएगा। ओके कर देते हैं अभी, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा सीट शो हो जाएगा, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है सीट शो हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है जूम का, जूम पे जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछता है कितना मैग्नीफिकेशन करना है, तो 75 करना है, 75 पे हम लोग चेक करेंगे, ओके करेंगे तो 75 हो जाएगा, 100 करना है तो यहाँ पे 100 पे क्लिक करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो आपको और बढ़ाना है तो आप यहाँ से प्लस से भी बढ़ा सकते हैं जितना आपको बढ़ाना है। तो आपको समझ में आया होगा 100% कैसे होगा और जूम का क्या काम होता है। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जूम टू सेक्शन, ये क्या होता है, जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक जूम करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और जूम टू सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उतना सा ये क्या हो जाएगा मेरा जूम हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 100% कर लीजिए, फिर से मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए और जूम टू पे क्लिक किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उतना सा ही जूम हो जाएगा। तो जूम टू सेक्शन आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग यूज करेंगे, और 100% भी समझ में आया होगा और जूम भी समझ में आया होगा। तो जूम ग्रुप हम लोग का खत्म हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है न्यू विंडो, न्यू विंडो का क्या होता है, न्यू विंडो पे जहाँ हम लोग क्लिक करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा कि सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी विंडो तैयार हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक ही विंडो आपको दिख रहा है, एक ही वर्कशीट यहाँ पे दिख रहा है, और जहाँ हमको इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो हम यहाँ पे कहाँ क्लिक करेंगे न्यू विंडो पे, आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यू विंडो दिया हुआ है। जैसे ही हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक नया विंडो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है दो विंडो यहाँ पे खुल चुका है, एक हाइपरलिंक 1 है और एक हाइपरलिंक 2 है। तो न्यू विंडो आप लोगों ने बनाने सीखा, कैसे हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे आपको व्यू टैब में आना है और न्यू विंडो का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है अरेंज ऑल, जैसे ही हम यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए पूछता है आपको टाइलेड में करना है, हॉरिजॉन्टल में करना है या वर्टिकल में करना है, तो वर्टिकल पे अभी हम लोग चेक करते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे एक विंडो आपका लेफ्ट साइड आ चुका है, एक विंडो आपका राइट साइड आ चुका है, तो आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग दोनों को अरेंज किए हैं। उसके बाद इसको हम अभी बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है उसके बाद व्यू साइडेड बाय साइडेड है, यहाँ से आप साइडेड बाय साइडेड कर दे सकते हैं, एक आपका नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है, तो आपको जहाँ इसको लेफ्ट राइट करना है तो आप अरेंज ऑल पे जाइए और यहाँ से क्या कर दीजिए इसको वर्टिकल कर दीजिए, वर्टिकल करके ओके करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा एक लेफ्ट आ जाएगा एक राइट आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग इसको वर्टिकल में रख सकते हैं, कैसे हॉरिजॉन्टल में रख सकते हैं अपने विंडो को। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है रीसेट विंडो पोजीशन है, क्या होता है देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है कि पहले की तरह हो चुका है यहाँ पे मेरा विंडो, आपको हटाना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करिए, आपका यहाँ से आप व्यू साइडेड बाय साइडेड को हटाइए आपका हट जाएगा। समझ में आया कैसे हम लोग व्यू साइडेड बाय साइडेड का यूज करेंगे, रीसेट विंडो पोजीशन कैसे यूज करेंगे। के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है व्यू साइडेड बाय साइडेड को, जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक आपका लेफ्ट साइड आ जा रहा है एक राइट साइड, तो अभी क्या हो गया कि आपका अप डाउन में आ रहा है तो अरेंज ऑल में जाएंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे हम लोग वर्टिकल कर देंगे, वर्टिकल करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो एक लेफ्ट साइड आ गया एक राइट साइड आ गया। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रॉल डाउन का, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अभी तो क्या है इसमें आपका सिलेक्शन किया हुआ है, स्क्रॉलिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे हम इसमें होता क्या है कि यदि आपके पास माउस है तो आप एक साथ दोनों में स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या स्क्रॉल अप कर सकते हैं। यदि ये ऑप्शन आपका सेलेक्ट नहीं है तो आपका क्या होगा कि पहले एक में होगा आपका स्क्रॉल डाउन फिर दूसरे पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है रीसेट विंडो पोजिशन है, इसमें तो हम आपको बता दिए कैसे क्या करना है, यदि आप इस पर क्लिक करिएगा तो पहले की तरह आपका विंडो सेट हो जाएगा, फिर आपको हटाना है तो व्यू साइडेड बाय साइडेड पे क्लिक करिए आपका हट जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्प्लिट, स्प्लिट होता है कैसे, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो बीच से एक लाइन आ जाता है, यदि हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या होगा कि ऊपर का जो रो है उसी का डुप्लीकेट रो नीचे बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 8, 9, 10, 11, 12 दिया हुआ है और नीचे सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है 8, 9, 10, 11, 12 बना हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कैसे ये क्या होता है कॉपी पेस्ट हो जाता है रो, यदि आपको इसको हटाना है तो आप स्प्लिट पे क्लिक करिए आपका हट जाएगा और जो भी आपका कॉपी पेस्ट हुआ था वो भी आपका हट जाएगा। हाइड समझ में आता है आप लोग को, यदि हम हाइड पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारा चीज़ है वो क्या हो जाएगा हाइड हो जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हाइड पे,
तो हाइड हो चुका है एक विंडो मेरा, यदि उसको अनहाइड कराना है तो अनहाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आ रहा है हाइपर लिंक टू, इस पर क्लिक करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हाइड समझ में आया, अनहाइड भी समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ फ्रीज पेंस। फ्रीज पेंस होता क्या है, जैसे कभी कभी हम लोग करते क्या है कि स्क्रॉल डाउन करते हैं और ऊपर में हेडिंग क्या दिया हुआ है वो हमको दिखता ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हेडिंग को फ्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम वन वाले को, अभी यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं सीरियल नंबर को और यहाँ पे फ्रीज पेंस पे जाते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीज टॉप रो। जैसे हम फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक छोटा सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुका है। और जैसे अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऊपर वाला जो फर्स्ट मेरा रो है वो क्या होगा कि वहीं पे आपका सेट रहेगा। देखिए मैं जैसे नीचे डाउन कर रहा हूँ तो ऊपर वाला मेरा लॉक है और नीचे हो रहा है। यदि आपको दो करना है तो दो कैसे होगा, तो आपको दो कॉलम को छोड़ के तीसरे कॉलम पे अपना सेक्शन को रखना है, सिलेक्शन को रखना है। और उसके बाद करना क्या है, जैसे थोड़ा यहाँ पे हम अभी बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है दो नंबर पे हम सिलेक्ट किए हैं। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, फ्रीज पेन में आएंगे और यहाँ पे करेंगे पहले अनफ्रीज कर लेते हैं, उसके बाद फिर से फ्रीज पेन में आएंगे और यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रीज पेंस पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको दिखेगा दो छोड़ के यहाँ पे एक लाइन आ चुका है। अब जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दो क्या हो गया, मेरा लॉक हो गया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको कॉलम को करना है तो आप कॉलम को भी करा सकते हैं। जैसे हम फ्रीज पेंस पे आते हैं और यहाँ पे हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम करते हैं। अब हम जैसे इधर राइट में स्क्रॉल करते हैं तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, मेरा फ्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फ्रीज पेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको न्यू विंडो समझ में आया होगा, अरेंज ऑल समझ में आया होगा, फ्रीज पेंस कैसे हम लोग यूज करेंगे, स्प्लिट हाइड अनहाइड ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे व्यू साइडेड वाय साइडेड है इसको भी हम लोग सीख लिए। रिसेट विंडो पोजिशन है ये भी हम लोग समझ लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है स्विच विंडो। स्विच विंडो का क्या यूज होता है, ऐसे स्विच विंडो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जितना विंडो खुला होगा आपके एक्सेल का तो उसमें आप जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट में जाना है तो यहाँ से आप फर्स्ट में जाइए, सेकंड में जाना है तो आप यहाँ से सेकंड में जा सकते हैं। तो स्विच विंडो आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग वर्कबुक व्यू ग्रुप को यूज करेंगे, नॉर्मल क्या होता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या यूज होगा, पेज लेआउट क्या होता है, कस्टम व्यू का कैसे हम लोग यूज करेंगे, ग्रिड लाइन को कैसे हाइड कराएंगे, सीट को कैसे हाइड कराएंगे, एक सीट से दूसरे सीट में कैसे जाएंगे, तो और भी बहुत चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।